Hello everyone, this is Dr. Shafila from Igloo Dost. Welcome to session 42 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from Igloo. The exam pattern for this paper will be objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of Igloo Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 42. So first question is, blank is defined as the number of species represented in a specific region, landscape or an ecological community. So kisi specific region mein, landscape mein ya ecological community mein, number of species kya represent karte hain? So number of species, options are co-evolution, commensalism, species richness, population density. So let's discuss all the options one by one. Co-evolution ka matlab kya hai? It is reciprocal evolutionary change in the population, in an interacting population, theek hai? In a set of interacting population. So co-evolution is the reciprocal evolutionary change in a set of interacting population. What does it mean? Revolutionary, reciprocal change, ye kya hai? So iska matlab ye hai, एग्जाम्पल से करते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोएवोल्यूशन इज प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप. ठीक है, सो प्रे जो है और प्रेडेटर दोनों इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अपोजिट तरीके से. कैसे? प्रे जो है वो इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है कि वो अपने आप को बचाना है उसने फ्रॉम कैप्चरिंग, और प्रेडेटर इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है कि वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो हंटिंग कर सके. सो एक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को हंट करने की कोशिश कर रहा है. सो दो पॉपुलेशन है, प्रे और प्रेडेटर में आपस में रिलेशन है. प्रे अपने आप को बचा रहा है, प्रेडेटर और स्ट्रांग हो रहा है कि वो उसको खा पाए. इट इज अ रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंज. ठीक है, बिटवीन अ सेट ऑफ पॉपुलेशन जो आपस में इंट्रैक्ट कर रही है. सो दैट इज को इवोल्यूशन. कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म इज सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप. सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप एसोसिएशन बिटवीन organisms or between two species. Commensalism basically like in which it is kind of association in which one organism is getting benefit from other and other organism is neither benefited nor harmed. ठीक है, so मतलब एक organism दूसरे organism से benefit ले रहा है, फायदा ले रहा है, but दूसरा organism का ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है. So that is commensalism. लेट्स डिस्कस विद एग्जाम्पल, है ना. अच्छा, जो कमेंसलिज्म है, इट कैन बी फॉर फूड, इट कैन बी लाइक फॉर यू नो हाइडिंग फ्रॉम द प्रेडेशन. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्री के ऊपर अगर कोई बर्ड नेस्ट बना रहा है, सो नेस्ट बनाना बर्ड को बेनिफिट हो रहा है, बट ट्री को ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है. सो दिस इज कमेंसलिज्म. स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है कि कितनी स्पीशीज है. ठीक है, किसी की कितनी स्पीशीज है किसी स्पेसिफिक रीजन में या लैंडस्केप पे या इकोलॉजिकल कम्युनिटी में. बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज रिचनेस इज बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन वैरायटी. सो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है दैट इज स्पीशीज रिचनेस इन अ स्पेसिफिक रीजन, लैंडस्केप और इकोलॉजिकल कम्युनिटी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी. सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है दैट इज पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया. एंड नॉर्मली हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करते हैं, बट यस वी डू यूज इट फॉर एनिमल्स ऑल्सो समटाइम्स. ठीक है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी इज द पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्पीशीज रिचनेस. सेकेंड क्वेश्चन इज, ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाय. ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर रिलेटेड. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है, सो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द सॉलिड वेस्ट. देखो, सॉलिड वेस्ट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो डायरेक्टली इट इज नॉट रिलेटेड. बट हाँ, अगर सॉलिड वेस्ट इंक्रीज होएगा तो हम उसको कहीं ना कहीं मतलब खत्म करने के लिए यू विल बर्न इट. दिस विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग. तो इनडायरेक्टली ये रिलेटेड है. ठीक है, डायरेक्ट नहीं है. रिड्यूसिंग द वॉटर वेस्टेज. सो वाटर वेस्टेज से तुम नहीं मतलब वाटर वेस्टेज कम कर लोगे तो वाटर कंजर्व करोगे. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ अगेन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. बर्निंग ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट.
ह्यूमन अगर तुम वेस्ट को बर्न करोगे फिर तो तुम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो ये भी नहीं है। रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, यस, अगर तुम फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम कर दोगे तो डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल द, यू विल कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि फॉसिल फ्यूल कंज्यूम क्या कहाँ हो रहा है, बर्निंग के लिए, फॉसिल फ्यूल एनर्जी के लिए तुम यूज कर रहे हो, इधर इन योर व्हीकल और इन योर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो फॉर द एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए उसको बर्न कर रहे हो, बर्न कर रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो इफ यू रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन देन डेफिनेटली वी कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट वी डू हैव ब्लैंक इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अ टैक्सोनॉमिक रैंक। सो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। सो अगर हम क्लासिफिकेशन लेवल की बात करें, देयर आर सेवन लेवल्स। सो स्पीशीज सबसे पहले है, द लोएस्ट लेवल पे क्या है, स्पीशीज, देन वी हैव जीनस, उसके बाद हमारे पास है फैमिली, देन वी हैव ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, एंड लास्ट में हमारे पास आता है किंगडम। तो ये आपके सेवन क्लासिफिकेशन लेवल्स हैं, एंड द बेसिक यूनिट आपका क्या है, स्पीशीज। सो आंसर इज ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नाउ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब डिसअपेयरेंस फ्रॉम अर्थ। तो इनमें से कौन सा एनिमल अर्थ पे अब नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट है ताजमेनियन टाइगर। सो ताजमेनिया, इट इज आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड, ठीक है। सो ताजमेनियन टाइगर, ताजमेनियन टाइगर जो है, टाइगर इट इज नॉट फ्रॉम कैट फैमिली बेसिकली। ये जो है आपका द पिक्चर ऑन द लेफ्ट स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है, दिस इज ताजमेनियन टाइगर। इसको ताजमेनियन टाइगर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी जो बैक है और इसकी जो टेल है उस पे स्ट्राइप्स है लाइक टाइगर, सो दैट इज वाई इट इज ताजमेनियन टाइगर। फिर है ताजमेनियन डेविल। ताजमेनियन डेविल जो है, इट लुक लाइक यू नो, थोड़ा इसका साइज जो है डॉग के जितना, स्मॉल डॉग के जितना साइज होता है, एंड लुक लाइक लिटिल रैट की तरह भी थोड़ा दिखता है, बट साइज इज लाइक ऑफ डॉग। देन पेड मेलन, पैडी मेलन और पेड मेलन। सो पैडी मेलन जो है, इट लुक लाइक अ कैंगरू। सो जो थर्ड पिक्चर आपको दिख रही है, दैट इज ऑफ पैडी मेलन, दैट इज कैंगरू। कोल जो है, इट लुक लाइक अ माउस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है, सो दैट इज ताजमेनियन टाइगर बिकॉज ऑफ हंटिंग, ठीक है। बिकॉज ऑफ हंटिंग जो है, ये आपका जो ताजमेनियन टाइगर है, ये आपका खत्म हो चुके है, अभी इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, नंदन कनन जू इज नोन फॉर। सो नंदन कनन जू आपका उड़ीसा में है, ठीक है। इट इज नोन फॉर हिप्पो, नीलगिरी ताहर, व्हाइट टाइगर या वेल। सो इट इज नोन फॉर व्हाइट टाइगर। सो इट इज द लाइक यू नो द फर्स्ट जू आपका है जहां पे व्हाइट टाइगर की ब्रीडिंग होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सो फर्स्ट है ये जहां पे व्हाइट टाइगर की ब्रीडिंग होती है, क्लियर। सो नंदन कनन जू इट इज इन उड़ीसा एंड इट इज फेमस फॉर द व्हाइट टाइगर, क्योंकि वहां पे व्हाइट टाइगर की ब्रीडिंग भी होती है, क्लियर। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट। वी एट इग्नू दोस्त आर प्रोवाइडिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। वी आर गिविंग वैल्यू एडेड नोट्स टू द मेंटीज। वी आर हेल्पिंग द लर्नर्स फॉर देयर एग्जाम थ्रू एग्जामपीडिया। अ कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल मेंटर्स इज देयर। दे आर हेल्पिंग इन कंप्लीटिंग एंड सबमिटिंग द असाइनमेंट्स फॉर करियर डेवलपमेंट, फॉर स्किलिंग द पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो यू कैन रीच अस आउट ऑन द नंबर 7594939297 बाय कॉल और व्हाट्सएप। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।